पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे होंगे यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, एसपी विधायक दल के चुने गए नेता। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में बड़ा एक्शन। कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। दिल्ली एलजी ने भी मांगी हादसे पर रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों की मौत मामले में गरमाई सियासत। बीजेपी आप में जुबानी हमले शुरू। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिए घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के निर्देश। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज दूसरे दिन भी बैठक। यूपी मामले में अनर्गल बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत। पीएम मोदी के मन की बात के 112वें एपिसोड का प्रसारण। मैथ्स ओलंपियाड के विजेताओं से पीएम मोदी ने की बात। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बुधनी विधानसभा में पैदल यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया। वीडी शर्मा ने कहा कि एक दिन कोई संगठन नहीं बनता है और एमपी के मन में तो मोदी हैं और मोदी जी के मन में एमपी है। गरीब कल्याण योजनाओं की ताकत है। जीतू पटवारी पैदल चले उल्टे चले उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सीधे चलता है और संगठन को मजबूत करने पर भरोसा करता है। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। आज मोदी जी के मन की बात के इस कार्यक्रम में मैं भोपाल जिले के बरखेड़ी मंडल के बूथ क्रमांक 109 पर हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई प्रकाश अहलिया जी की अध्यक्षता में हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी और सभी यहाँ के मंडल के अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने आज मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। हम सब लोग जानते हैं कि मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भोपाल और रीवा के लिए अब एक और ट्रेन चलेगी। दरअसल इसके लिए इलाके से जुड़े बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भोपाल से रीवा तक एक ट्रेन रेवांचल एक्सप्रेस इकलौती ट्रेन होने की वजह से इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि सतना मेहर जाने वालों के लिए ये केवल एक ट्रेन है। अब भोपाल रीवा के लिए एक और ट्रेन चलेगी। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है। ट्रेन सप्ताह में भोपाल से 2 दिन शुक्रवार और रविवार को जबकि रीवा से शनिवार और सोमवार को चलेगी। लंबे समय से एक मांग थी कि भोपाल से लेकर के रीवा हम रेवांचल एक्सप्रेस में जाते हैं तो उसमें कई बार जल्दी जब जाना होता है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता और महीने दो दो तीन तीन महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता। और किसी को जाना हो भोपाल में बड़ी आबादी, मेरी भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा विंध्यवासी रहते हैं और पूरे भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी आबादी जिसको कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास की आबादी है जिसको सतना मैहर या रीवा जाना होता है तो उनके लिए एकमात्र ट्रेन है, उस पर लोड रहता है, उसका रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण बड़ी कठिनाई होती है। वहीं झाबुआ में पुलिस चौकी के घेराव का मामला सामने आया है। घटना हरी नगर पुलिस चौकी की है जहां पछाया गांव के रहने वाले आदिवासी युवक रशन वालसी है किहोरी को शंका के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हालांकि जिस वक्त पुलिस उसे लेकर गई थी तो व्यक्ति के सिर कान में चोट की वजह से खून बह रहा था। वहीं परिवार का कहना था कि मृतक को पुलिस चौकी क्यों ले गई है समझ से परे है। छतरपुर जिले में एक बच्ची प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गई। घटना बक्सवाहा के सैडारा गांव की है जहां पर घर में सो रहा परिवार प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया। इसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि परिवार के दूसरे लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सीएचसी बंडा में भर्ती करवाया गया है। और
वो मकान का जो बढ़ेरी होती है ये टूटने की, टूटने के कारण सुबह मॉर्निंग की 5 बजे की घटना है। हम लोग, चाचा की लड़की है हमारी, जब आवाज़ मिली तो चारों मृतक, हमको बच्चे चिल्लाने की आवाज़ मिली तो बचाते बचाते इस बच्चे की घटना पे यहाँ पे 100 नंबर को फ़ोन लगाया हमने और 108 को लगाया, यहाँ पे आए, बंदा डिफर किया गया, हॉस्पिटल में आए, ऑक्सीजन लाए, बच्ची को यहाँ ऑक्सीजन लगा के मृतक पाया जाता है। बुधनी शहर रेलवे ब्रिज पर गहरे गड्ढों में पानी भर जाने के कारण आने जाने में परेशानी हो रही है और इस समस्या की तरफ ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस नेताओं ने धान रोक कर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी की 20 साल की सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर आईना दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों ने इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बरसात के दिनों में यहाँ आए दिन पानी भरने से समस्या बनी रहती है, तो वहीं बुधनी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, लिहाजा ये सुर्खियों में जल्दी आता है। परिपेक्षा दिखाती है, अन्य स्टेटों में जाके, अन्य देशों में जाके ये वॉशिंगटन की सड़कें बताते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में बुधनी विधानसभा के बुधनी में ही ये गड्ढे इस प्रकार से भरे जा रहे हैं। यहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। यहाँ के आमजन परेशान हैं, गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढा है, वो गड्ढे में गड्ढा है, इस बात की अपेक्षा करने की आवश्यकता है और हमें इस बात को देखने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जिस प्रकार से गाड़ियाँ आती हैं, इन गाड़ियों के आगे की पूरी कमानियाँ, गाड़ी के टायर बैठ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, रात भर यहाँ पड़े रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इन गड्ढों को भरे जाना चाहिए जिससे आम। शाजापुर जिले में रेलवे स्टेशन के पास तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक मृतक बोलाई गांव का निवासी बताया जा रहा है। 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सीहोर में लगातार हो रही बारिश के कारण कोलार डैम का जल स्तर बढ़ रहा है। डैम में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने और कोलार डैम की कार्यपालन यंत्री श्रीमती हर्ष जैनवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो कोलार नदी, कोलार नहर और कोलार बांध के प्रभावित इलाकों में नहीं जाएं। भिंड में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बस चालक सहित लगभग 20 लोग घायल हो गए। हादसे के लगभग 5.5 घंटे के बाद स्थानीय मालनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बस जयपुर से चलकर भिंड की तरफ आ रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने से यात्री बस का पिछला हिस्सा हाईवे किनारे खंती में घुस गया। घटना के बाद आसपास के गांव वालों ने बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से ग्वालियर भिजवाया। वहीं सीहोर में आष्टा कोर्ट में ई सेवा केंद्र का लोकार्पण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया। इस दौरान अभिभाषक संघ अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि ई सेवा केंद्र के जरिए पक्षकारों को ई कोर्ट सर्विस के अंतर्गत न्यायिक आदेशों और निर्णयों के प्रतियां प्राप्त करने समेत अनेक सेवाएं मिलेंगी। तो वहीं इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया और रक्तदान, नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत 55 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, 37 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया और 53 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। न्यायालय परिसर में माननीय जिला न्यायाधीश मौजूद पधारे थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर रखा गया था, साथ ही ब्लड डोनेशन का भी रखा था शिविर। उसमें अभिभाषक संघ का भी सहयोग था और अभिभाषकों ने उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। साथ ही एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया था और जो एक फाइलिंग ही फाइलिंग सेंटर का जो भवन बना है न्यायालय में पक्षकारों की सुविधा की दृष्टि से और वकीलों की सुविधा से उसका भी। न्यायालय परिसर में माननीय जिला न्यायाधीश
बैतूल के जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होने के कुछ घंटे बाद ही प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेसी नेताओं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के अधिकारों पर हमारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर सरकार को आईना दिखाया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 5 दिन में 4 स्थगन पर चर्चा कराने को सरकार को बाध्य किया गया, यह हमारी बड़ी सफलता है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है। तो वहीं कार्यसूची में शामिल 63 ध्यानाकर्षणों के लिखित जवाब सदन स्थगित होने तक सरकार हमें उपलब्ध कराने में अक्षम रही है। यह हवा में साए-साए करते हुए सुशासन का दावा करने वाली साए सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को बधाई देते हुए कहा कि ज्वलंत मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर जनता की लड़ाई लड़ी गई है। मलौदा बाजार की घटना को आक्रामक तरीके से सदन में रखा गया। 24 जुलाई को विधानसभा घेराव आक्रामक कार्यक्रम हुआ तो पुलिस ने दमन किया, लेकिन हमारे साथी पीछे नहीं हटे। विष्णु सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रही। दोनों मंत्रियों ने सरगुजा में विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र इंदिरानगर, नवापारा और बंगालीपारा सहित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में संजारी विधायक संगीता सिन्हा ने गुरूर थाने में धरना दिया। उन्होंने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। विधायक का कहना है कि बीते दिनों महिला पार्षद के साथ हुई मारपीट के दौरान महिला पार्षद के बेटे ने एक महिला से छेड़खानी की। इस मामले में पीड़ित महिला की FIR नहीं लिखी जा रही है। विधायक को मनाने के लिए महिला CSP सहित TI मौजूद रहे। इस दौरान विधायक के समर्थक भी थाने के बाहर जुट गए। बीजापुर में नक्सलियों की ओर से प्लांट IED की चपेट में एक मासूम आ गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे का नाम हिड़बा कवासी है, जिसकी उम्र महज 10 साल थी। धमाके में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।